सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिंस एंड फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IMC कंपनी द्वारा बनाए गए एक आई ड्रॉप के बारे में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलो ज्योति आई ड्रॉप्स के बारे में। सो दोस्तों, ये जानेंगे कि इस ड्रॉप के क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसके टर्म ऑफ कंडीशन क्या होते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इसे बच्चों को दिया जा सकता है या नहीं, ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो गाइज, टाइम वेस्ट न करते हुए हम जानकारी को शुरू करते हैं। गाइज, बात करें हम इसके यूज़ के बारे में, तो इसका यूज़ जो है, यदि आपको जो है आंखों में इन्फेक्शन जैसा है या फिर यूँ कहें कि आपके आंख में जो है कीचड़ जैसा आता है, तो भी जो है आप इसका यूज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा वर्क करता है। और गाइज, आपको बता दूँ कि यदि आप प्रॉपरली टीवी वगैरह या फिर जो है कंप्यूटर में बैठ कर काम करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपको जो है हेडेच होने लगते हैं, आपका सर दर्द होने लगता है, इसलिए क्योंकि आँखों को बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो गाइस, ऐसी कंडीशन में भी जो है आप इस ड्रॉप का यूज कर सकते हो, काफ़ी अच्छा ड्रॉप होता है। और गाइस, आपको बता दूं कि यदि आपको जो है चश्मे की लत लग गई है, तो यदि आप चश्मे का नंबर थोड़ा कम करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है आप इसका यूज कर सकते हैं। जहाँ तक दोस्तों हो सके हमें चश्मे से बचना चाहिए, क्योंकि यदि आपको चश्मा लगाने की आदत हो जाती है तो प्रॉपरली जल्दी छूट नहीं पाता है। और गाइस, आपको बता दूं कि यदि आपको जो है ग्लूकोमा जैसे डिजीज हैं आंखों में, तो ग्लूकोमा के यदि शुरुआती सिम्टम्स ही हैं, तो भी जो है आप इस ड्रॉप का यूज कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन में भी यह काफ़ी अच्छा वर्क करता है। और गाइस, आपको बता दूं कि जो है आंखों में समस्या आने के कारण जो है आपके सर में दर्द होता है, कंधा भी दर्द करने लगता है, गले में अकड़न जैसी परेशानियाँ होने लगती हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है आप इस ड्रॉप का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि प्रदूषण और सूरज की किरणों के अभाव के कारण भी हमारे आंखों में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इसका जो है यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि यदि आपकी आंखों में इन्फ्लामेशन आ गई है, आपकी आंख में किसी चीज़ की रगड़ लग गई है, या फिर यूँ कहें कि जो है उसमें इन्फ्लामेशन वगैरह हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसका यूज नहीं किया जाता है। यदि ऐसी कंडीशन में आप इसका यूज करते हैं, आपकी आंख में किसी प्रकार का जख्म है या फिर रगड़ लग गया है, तो उस कंडीशन में यदि आप इसको अप्लाई करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसको अप्लाई नहीं करना चाहिए। यदि आप करते हैं तो जो है आपकी आँख में थोड़ा सा जलन जैसा भी महसूस हो सकता है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि इसका यूज जो है छोटे बच्चों में नहीं करवाना है, यदि बच्चा 12 साल के ऊपर है तो जो है आप इसका यूज करवा सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि फिर भी आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट्स है, तो बेशक आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।